1977 में सुप्रीम कोर्ट की एक महत्वपूर्ण जजमेंट स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद अलियास बलिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेल इज द रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, यानी कि बेल दे दी जानी चाहिए और जेल में किसी भी व्यक्ति को एक्सेप्शनल सिचुएशन में रखना चाहिए। तो ये कह तो दिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1977 में, लेकिन कहने के बावजूद भी ये हर जगह अप्लीकेबल नहीं है। और फिर जब बेल की बात आती है तो जहां पर जो भी, चाहे मजिस्ट्रेट हो, जज हो, फिर हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह फिर बात ये आती है कि उसमें जो इंडिविजुअल केस होता है उसको देखा जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट जब नीचे से बेल जब रिजेक्ट होती है तो फिर मामला ऊपर की तरफ जाता है और अंतोगत्वा जो है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें सुप्रीम कोर्ट को इसमें डिसीजन लेना होता है। तो जो भी बेल अगर रिजेक्ट की जाती है तो वो ऊपर वाले कोर्ट पर फिर बात आ जाती है कि पेंडेंसी या मामलों का बढ़ना, वहां पर उनको फिर डिसीजन उसमें लेना होता है। ऐसा ही केस रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के पास आया। केस का नाम है ब्रजेश कुमार अलियास रामू वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जो है ऑर्डर पास किया था, और जो महत्वपूर्ण ऑर्डर है उसमें ये भी कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको ये जो ऑर्डर है वो भेजा जाए, और वो जो है ऑर्डर है सब जजेस जो हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके बीच सर्कुलेट किया जाए, क्योंकि वहां की जो एक फंक्शनिंग है, जो खास करके बेल के मामले और क्रिमिनल अपील के मामले, उनमें वो किस तरह से जो है आगे जो है डिसीजन लें, उससे संबंधित ये मामला है। अब ये जो केस है, केस में ये था कि जो ब्रजेश कुमार अलियास रामू जो है, इनका केस जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया था। जब बेल के लिए अप्लाई किया था तब तकरीबन 12 साल इनको हो गए थे इनकी कस्टडी, मतलब टोटल कस्टडी का। और उस समय कोर्ट ने जो बेल तो है इसको डिनाई कर दी और ये कहा कि इसकी अपील जो है सुनी जाए, लेकिन उसके बाद भी लंबा समय हो गया और अपील नहीं सुनी गई है। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट आए तो सुप्रीम कोर्ट में इनकी बात ये है कि इन्होंने 14 साल जो है ऑलमोस्ट 14 साल जेल में बिता दिए हैं, और इनकी जो है सेंटेंस को सस्पेंड किया जाए, इनको बेल दी जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना भी है। सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें कही हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्रिमिनल जो अपील है बहुत ज्यादा पेंडिंग है, और ऐसी परिस्थितियों में भी जब लोग जो 14 साल या 14 साल से ज्यादा जेलों में बिताते हैं तो उसके बाद उन्हें वहां रखने का कोई मतलब नहीं बनता अगर आप जो है उनकी जो अपील है वो डिसाइड नहीं कर पाते हो। तो इसलिए कोर्ट ने ये कहा है कि जब ऐसा करते हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट पर जो है केसेस का बर्डन आता है और उन केसेस को फिर सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना पड़ता है। तो इसलिए कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है इस व्यक्ति को, यानी जो ब्रजेश कुमार है, इसको इस मामले में बेल ग्रांट करने की बात कही है, और ट्रायल कोर्ट अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से जो भी बॉन्ड वगैरह भरवा करके वो देगा। लेकिन साथ ही इस ऑर्डर में ये भी कहा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस और अन्य जजेज हैं उनके सामने इस ऑर्डर की कॉपी सर्कुलेट की जाए, ताकि आगे से इस तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंचे। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन है, ऑर्डर है, ये जजमेंट नहीं है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये हो सकता है कि इस तरह से जो लंबे समय तक जो जेल में दूसरे राज्यों में भी लोग रहते हैं तो वहां पर भी ये एक तरह से अप्लीकेबल रहेगा और उसका यूज किया जा सकता है उस हिसाब से। तो ये था बेल से संबंधित एक महत्वपूर्ण रिसेंट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का। नमस्कार, धन्यवाद।